थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप सभी का, सभी प्यारी प्यारी हमारी जो छात्राएं हैं उन सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगी मिस एन मेरी, मिस अनुपा जी, कि आप लोगों ने हमें ये मंच दिया, यहाँ पर हमारी बात कहने का और रखने का समय दिया, सभी विद्यार्थियों को एग्जाम्स के बीच में से निकालकर यहाँ पर हमारे साथ में कुछ सीखने का, कुछ समझने का अवसर दिया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द होल टीम, द होल स्कूल, ऑल द किड्स। एंड मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी कि मेरे निवेदन पर हमारे सर नीलेश सर, और ये भी नीलेश सर ही है, सो नीलेश सर हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं। ये इंडिया की इंडियन बिंजुम अकेडमी चलाते हैं, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय लेकर इस आर्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि अरे ये मत करना, तुम लड़की हो, अरे यहां मत जाना। ये होता है आप लोगों के साथ में कि नहीं होता है? होता है ना? कितनों के साथ में हुआ है? मेरे हिसाब से तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और आप लोगों के साथ में भी कई बार हुआ होगा कि घर में से आपको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती है कि भाई लड़की हो थोड़ा संभल के, लड़की हो ये करो, लड़की हो ये मत करो। बहुत बार जब हम कहीं जाते हैं या कहीं से गुजरते हैं तो कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां पे या तो आपके ऊपर कुछ तरीके का कमेंट किया जाता है, कुछ आपके साथ में मस्ती की जाती है, या कुछ तरीके की ऐसी हरकत होती है जो आपको लगता है कि ये क्यों किया मेरे साथ, ऐसे क्यों बिहेव किया। ये हर लड़की कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में जरूर अनुभव करती है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार ये अनुभव किया है, ट्रेन का सफर करते हुए, कहीं जाते आते हुए, कहीं बैठते उठते हुए, जब हमको इस चीज से गुस्सा आता है कि मैं लड़की क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं,